हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं इंडेक्स यानी घातांक। घातांक का पूरा कंसेप्ट आज इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि घातांक की पावर क्या होती है, यानी इंडेक्स के पावर क्या होते हैं, घात क्या होते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है, पावर का डिफिनेशन क्या होता है, इंडेक्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो इन्हीं सब की चर्चा के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंडेक्स क्या है। मान लीजिए कि कोई नंबर है और उसके कुछ पावर दिए गए हैं, तो जो नंबर दिया गया है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो पावर रहते हैं उसके उसको हम लोग घात बोलते हैं। जैसे हाँ, देखिए अगर हम 10 के पावर 5 कर दें तो यहाँ 10 क्या होगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार इसको बोलेंगे, और 5 आपका क्या है, पावर है। क्लियर? अब इसी को हम लोग घात बोलते हैं, समझ गए? यानी 10 के पावर 5 में 10 आपका बेस हो गया और 5 आपका क्या हुआ, पावर हुआ, तो इसको घात बोलेंगे, और इसी घात को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं यानी घातांक बोलते हैं। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब आगे बताते हैं, आइए कुछ और पावर के डिफिनेशन बताते हैं। किसी नंबर को उसी नंबर से जितनी बार मल्टीपल करेंगे उस नंबर को ही पावर कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 7 × 7 × 7 × 7, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कितना बार हुआ है, 1, 2, 3, 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 4। अब यहाँ 7 क्या हो गया, आपका बेस हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, और 4 क्या हो गया, आपका पावर हो गया। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको बताते हैं कुछ इंडेक्स के नियम, यानी उसके रूल बताते हैं और उसके फॉर्मूला बताते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए इंडेक्स के कुछ रूल और फॉर्मूला। पहला नियम क्या है, घातांकीय गुणनफल, यानी घातांकीय गुणनफल क्या होता है, जब ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर 1 डॉट डॉट रहे तो क्या होगा, सभी पावरों को ऐड कर देंगे, यानी ए की पावर m प्लस n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट। जैसे x के पावर 5 इंटू x के पावर 4 इंटू x के पावर 7, अब क्या करेंगे, सभी पावरों को ऐड कर देंगे, x के पावर 5 प्लस 4 प्लस 7, अब क्या होगा, ऐड कीजिए 5 प्लस 4 यानी 9, और 9 प्लस 7 कितना होता है, 16 हो जाता है। तो ये हुआ आपका पहला नियम। क्लियर? आपको बताते हैं दूसरा नियम, घातांकीय भाग। अब घातांक के भाग क्या होता है, जब a की पावर m भागा a की पावर n रहे तो क्या होगा, a की पावर m बटा a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे x के पावर 13 डिवाइड x के पावर 5, अब यहाँ डिवाइड में है तो क्या करते हैं, बटा में ले जाते हैं, x के पावर 13 और बटा में x के पावर 5, अब क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे, x के पावर 13 माइनस 5, माइनस कर लीजिए कितना आएगा, x के पावर 8 आ गया। ये आपका हुआ दूसरा नियम। क्लियर? आपको बताते हैं तीसरा नियम, घात की घात यानी पावर की पावर क्या होती है। बड़ा कोष्ठ है, मझला कोष्ठ है और सबसे छोटा कोष्ठ है। सबसे छोटा कोष्ठ में क्या लिखा है कि a की पावर m का होल पावर n, और मझले कोष्ठ का होल पावर 1 है, और सबसे बड़े पावर का होल पावर p है। तो क्या होगा, a की पावर m इंटू n इंटू 1 इंटू p, यानी जब यहाँ पावर के पावर पावर के पावर दिया हो तो इसको क्या करते हैं, पावर को मल्टीपल कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में एक्स के जितने भी पावर होते हैं उनके पावर को मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ देखिए एक्स के पावर 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5, तो क्या होगा, एक्स की पावर 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 30 और 35 × कितना होता है, 150। ये आपका तीसरा नियम हो गया।
हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए चौथा नियम, गुणनफल की पावर। गुणनफल की पावर क्या होती है? जब a इंटू बी इंटू सी रहता है तो क्या लिखते हैं, a के पावर n इंटू बी के पावर n इंटू सी के पावर n डॉट डॉट। अब एग्जांपल से समझाते हैं। हाँ देखिए 5, 2, 3 अब इसका पावर दे देते हैं 2, तो क्या लिख सकते हैं हम, 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। क्लियर। तो ये हो गया आपका चौथा नियम। अब बताते हैं पांचवा नियम, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है? तो पहला नियम देखिए, जब a के पावर m रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, 1/a^-m। अब इसका एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। अगर हम 5 के पावर 3 लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, नियम क्या बताया गया है, 1/5^-3। हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब नियम देखिए आगे क्या कह रहा है, जब a के पावर माइनस एन हो तो लिख सकते हैं 1/a^n। इसको भी एग्जाम्पल बताते हैं, जब 7 के पावर -2 रहता है तो क्या लिख सकते हैं, नियम के अनुसार 1/7^2 हो जाएगा। हो गया कंसेप्ट क्लियर। तो ये हुआ आपके पांचवा नियम। अब इसके दूसरा नियम बताते हैं। अब देखिए दूसरा नियम, a/b^(m) रहता है तो उसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिए, 2/7^3 हो गया इस नियम पर सेट। अब इस इक्वल टू के बाद क्या करें कि b/a^(-m), अब यहाँ देखिए 7/2^-3। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ a/b^(m) = b/a^(-m) होगा। तो यहाँ देखिए 7^q = 7/2^-q। कॉन्सेप्ट क्लियर। इस तरह आपको अध्ययन करना है और बेहतर स्किल बनाना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।